बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस खुरसे पार के श्रीराम चौक में भव्य आयोजन किया। हजारों की संख्या में सभी आयु वर्ग की महिलाएं, युवतियां व पुरुष वर्ग के लोग जय श्री राम के जयकारे के साथ नववर्ष की छटा बिखेरे। समिति के संस्थापक अध्यक्ष व भाजपा के पार्षद दया सिंह के नेतृत्व में 2100 दिए प्रज्वलित किए गए और जय श्री राम के जय घोष के साथ डीजे की धुन में नाचते थिरकते लोग नववर्ष के एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते रहे। इस दौरान निगम की महिला पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। श्री राम चौक खुर्सी पार से पूरा भिलाई भगवामय हो गया। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की ओर से भव्य आयोजन कराया गया। हिंदू नववर्ष व नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा अर्चना की गई। पूरे चौक में भगवा झंडे लगाए गए। सुमधुर गीत संगीत के बीच में भव्य आयोजन हुआ। आयोजक बोलबम सेवा समिति के अध्यक्ष व भाजपा पार्षद दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि पूरा भिलाई भगवामय हो गया है। आयोजन में 11,000 लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया है। हलवा प्रसाद के रूप में दिया गया है। 2100 दीपक से जय श्री राम लिखा गया है। आज दीपावली जैसा माहौल था। इस कार्यक्रम में भिलाई निगम की महिला पार्षदों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मातृ स्वरूप महिला पार्षदों ने आयोजन की सराहना की और आने वाले वर्षों में इसे और भी भव्य करने की बातें कही। इस दौरान भिलाई निगम की पार्षद वीणा चंद्राकर, स्मिता दौड़के, लक्ष्मी दिवाकर, गिरिजा पंचोर, शकुंतला साहू, ईश्वरी नेताम मौजूद रही। कार्यक्रम में भिलाई निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रितेश सेन, पूर्व सभापति श्याम सुंदर राव, विनोद चेलक समेत अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम को भी हलवे का भोग लगाकर महाभोग की शुरुआत की गई और मां दुर्गा के 108 नाम का जाप एक श्रद्धालु द्वारा किया गया। लगातार 15 वर्षों से हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। हिंदुत्व का आज नववर्ष शुरू होता है तो हमने भगवान श्री राम के पूजा अर्चना की और भोग लगाया। लड्डू में वितरण हो रहा है लोगों को और साथ में ही हमने हलवा का भोग लगाया जो 11,000 से 12,000 लोगों को प्रसाद महाप्रसाद के रूप में मिलेगा और आतिशबाजी के साथ इस पर्व को महापर्व हिंदुत्व का महापर्व महाप्रसाद के साथ हमने एक आरंभ किया है श्री राम चौक खुर्चीपार में। मकसद से भी हिंदुत्व है क्योंकि जय श्री राम का जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इसलिए राम जी के नाम से इस नौ वर्ष चुके हिंदुत्व का है तो हमने हमारे पूरे पार्षदगण भिलाई के सब सम्मिलित हुए, हमारी माताएं बहनें सम्मिलित हुई और सम्मिलित के साथ इस पर्व को महापर्व मना रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।